एक्जिमा के लक्षण समय के साथ साथ बदलते रहते हैं, तो कोई एक टेस्ट से आपको मालूम नहीं होता कि एक्चुअली में आपको एक्जिमा है कि नहीं। सबसे पहले डॉक्टर मरीज के सिम्टम्स को चेक करते हैं, उसके बाद उसकी हिस्ट्री चेक करते हैं और फिर उसको टेस्ट के लिए भेजते हैं। शुरुआत में डॉक्टर्स आपको कुछ सवाल करेंगे जिसके सही जवाब देना आपको आवश्यक होता है, जैसे कि क्या आपको यह पहली बार एलर्जी हुई है, क्या आपको पहली बार खुजली हुई है, या फिर आपको रेगुलर बेसिस पे खुजली होती है, या आपको खुजली के स्ट्रोक्स आते हैं जैसे कि हर 3 दिन में खुजली होती है, हर 7 दिन में, हर महीने में, क्या आपके परिवार में किसी को एक्जिमा है, आपने कल दिन भर क्या किया था, आपने कल दिन भर क्या खाया था, आप कोई दवाइयां ले रहे हो कि नहीं, आपने अभी कौन सी दवाइयां ली है, आपने कल कौन सी दवाइयां ली थी, जब आप खुजाते हो तो क्या आपको जलन होती है, वह भाग उबल जाता है या सूज जाता है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस डॉक्टर्स आपको करेंगे। वह क्वेश्चन के जवाब के अनुसार डॉक्टर कुछ नतीजे पर पहुंचते हैं। अगर आपकी समस्या थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो डॉक्टर आपको लैब टेस्ट के लिए भेजते हैं। तो ये जानते हैं कि एक्जिमा में कौन कौन से टेस्ट, कौन कौन से लैब टेस्ट होते हैं उसके बारे में। नंबर 1 है स्किन प्रिक टेस्ट। यह टेस्ट को स्किन पंक्चर टेस्ट और स्किन स्क्रैच टेस्ट भी कहा जाता है। यह टेस्ट सामान्य रूप में आपको किसी पदार्थ की एलर्जी है कि नहीं वह जानने के लिए होता है। यह टेस्ट ज्यादा पेनफुल नहीं होता। लेंसेट टाइप की जो निडल्स होती है उससे आपकी त्वचा पर एक छोटा सा प्रिक किया जाता है और वहां पे एलर्जन एक्सट्रैक्ट डाला जाता है। जब वहां पर एलर्जन एक्सट्रैक्ट डालते हैं तो त्वचा के साथ कुछ रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन के जो रिजल्ट आते हैं उसके हिसाब से डॉक्टर पता लगाते हैं कि आपको कौन से पदार्थ की एलर्जी है। नंबर 2 है स्किन इंजेक्शन टेस्ट। निडल की मदद से आपकी त्वचा पर एलर्जन एक्सट्रैक्ट को डाला जाता है। यह टेस्ट को इंट्राडर्मल टेस्ट भी कहते हैं। इंजेक्शन के 15 मिनट के बाद जो कुछ भी रिएक्शन होता है उसके रिजल्ट पे से यह मालूम लगाया जाता है कि आपको कौन से प्रकार की एलर्जी है। नंबर 3 स्किन पैच टेस्ट। यह टेस्ट बिल्कुल स्किन प्रिक टेस्ट जैसा होता है, बस फर्क यह है कि इस टेस्ट में निडल की जगह पर पेचिस लगाए जाते हैं। आपकी त्वचा पर अलग अलग पेचिस लगाए जाते हैं, उसमें ऑलरेडी एलर्जन एक्सट्रैक्ट मौजूद होता है जो आपकी त्वचा के साथ रिएक्शन करता है और उसके रिजल्ट पे से हम मालूम कर सकते हैं कि आपको कौन से प्रकार की एलर्जी है। खास करके कॉन्टेक्ट एक्जेमा को पता लगाने के लिए यह टेस्ट ज्यादा पॉपुलर है। नंबर 4 स्किन बायोप्सी। यह टेस्ट में डॉक्टर आपकी त्वचा पे से कुछ सैंपल लेके लैब में टेस्ट के लिए भेजते हैं। खास करके अगर आपको त्वचा के विकार का रोग है या फिर कोई दवाइयों के रिएक्शन की वजह से आपको एलर्जी हुई है, आपको एक्जिमा हुआ है, तो यह टेस्ट के दरमियान पता लगाया जा सकता है। नंबर 5 ब्लड टेस्ट। एक स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट की मदद से आपकी त्वचा पर इंफेक्शन है कि नहीं वह पता लगाया जा सकता है। हालांकि ब्लड टेस्ट में जो रिजल्ट आता है वो इतना परफेक्ट नहीं आता। तो यह कुछ प्रकार के टेस्ट की मदद से पता लगाया जा सकता है कि आपको एक्जिमा है कि नहीं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे चैप्टर 5 में हम बात करेंगे एक्जिमा से प्राथमिक तौर पर कैसे बचा जाए उसके बारे में। तो आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।